हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपीआईसी डिजिटल स्टडी। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएट्री, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इट वॉज रिटन बाई सर हेनरी ओटन, एन इंग्लिश ऑथर हु वॉज बॉर्न ऑन 30th March 1568 in England, United Kingdom, and was died in December 1639, Eton, in UK. He was a very well known and a famous personality. His parents are Thomas Wotton and Eleonora. He got his education from Winchester College and Oxford University. He had written many poems. The collection of his poems were known as The Life and Letters, The Elements of Architecture, Reliqui Wottonei, A Short View of Life, The Image of Venice. These were his famous books. In this poem, The Character of Happy Life, the poet wants to describe what should be the character of a cheerful person? What is the quality of his character? What the poet has said about the person? Let's read our poem and know what he wants to say. The first stanza is, how happy is he born or taught that she serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Means to say, how happy is he born or taught? The poet wants to say that how happy is the person whose character is very good, whose character is good, how happy he was. कितना प्रसन्न है, कितना सुखी है व्यक्ति जो सर्व्स नॉट अनदर्स विल, यानी दूसरों की इच्छा का दास नहीं, जो दूसरों की इच्छा से सर्व नहीं करता, काम नहीं करता है, वह व्यक्ति कितना सुखी है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज ऑन अटमोस्ट स्किल। जिस व्यक्ति का आर्मर मीन्स हथियार, जिस व्यक्ति का हथियार हिज ऑनेस्ट थॉट मीन्स उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं, ऐसा व्यक्ति कितना खुशी है। एंड सिंपल ट्रूथ इज एट मोस्ट स्किल, और उसका सत्य ही उसका कौशल है। द पोएट वांट्स टू से दैट ए हैप्पी मैन डज नॉट एक्ट थ्रू अदर्स डिजायर्स, हिज ओन थॉट इज हिज आर्म। He is an honest person. He acts according to his thoughts. He never think about another's will. The person who acts through his own thoughts, only that person is the happy one. He was not the servant of another's will. Means to say, poet कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति कौन हो सकता है जो किसी दूसरों के विचारों के तले दब कर ना रह जाए। मीन्स कोई दूसरा दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करे, यानी जिस व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्वयं के विचारों से प्रेरित हो, और अपने विचारों से प्रेरित हो करके ही वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है, और उसी व्यक्ति को प्रसन्नचित व्यक्ति कहा जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति ईमानदार भी होगा, सच्चा भी होगा। Whose passion, now see the second stanza, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, or princely love or vulgar breath. Whose passion not his master are. The poet wants to say that a character, a happy man is that man whose
पैशन आर नॉट हिज मास्टर्स। पर कहना चाहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं का दास नहीं है, यानी महत्वाकांक्षाएं उसकी मालिक नहीं बन बैठी हैं, ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न है। मीन्स व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे तो बढ़ रहा है लेकिन लालसाओं का महत्वाकांक्षाओं का दास नहीं हुआ, मीन्स उनके अधीन वह नहीं हुआ है। हू सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और यही कारण है कि उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। मीन्स टू से दैट ही नेवर फियर टू द डेथ। वह कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वह इच्छाओं का दास नहीं है, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे तो बढ़ रहा है लेकिन वह उनके अधीन नहीं हुआ है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव ऑफ वल्गर डेथ एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट इन द बाउंडेशन ऑफ प्रिंसली लव आर द पीपुल्स थॉट्स। मीन्स वह लोगों के विचारों के, लोगों की आलोचनाओं के, या किसी राजकुमार की कृपा के, किसी राजकुमार की कृपा या अन्य जो पीपुल हैं, लोग हैं, उनकी आलोचनाओं का दास नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति हैप्पी करेक्टर वाला हो सकता है। मीन्स ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। हिज एक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। मीन्स जो करेक्ट हैप्पी पर्सन है उसका जो कार्य है हमेशा संतुलित होता है। मीन्स जो वह विचार करता है उसके लिए वह उस कार्य के लिए वह लग जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। मीन्स उसके विचारों का और उसके कार्यों का संतुलन जो है वह ठीक चल रहा हो, ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति हो सकता है। नाउ सी द थर्ड स्टैंजा। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फीड हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट नॉर र्यून मेक ओपेसेस ग्रेट। इन दिस वेरी स्टैंजा द पोएट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब दैट हिज लाइफ अ पर्सन हु इज अ हैप्पी पर्सन हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। हु इज अ हैप्पी मैन? हैप्पी मैन इज दैट हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स एंड ऑल्सो हिज स्ट्रॉन्ग हिज हार्ड वर्क इज हिज विल पावर। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड नॉर मेक र्यून मेक ऑफिसर्स ग्रेट। ही नाइदर बी हैप्पी विद द फ्लैटरर्स नॉर शेड विथ ऑफिसर्स। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट अ हैप्पी पर्सन इज दैट हु नेवर फेल्ट हैप्पी वेन फ्लैटरर्स प्रेज हिम नॉर ही बिकेम सैड वेन ऑफिसर्स क्रिएट डिफिकल्टी टूअर्ड्स हिज वे ऑफ लाइफ हिज डीड्स। दैट पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन। पोएट कहता है कि व्यक्ति वही प्रसन्न है जो कभी भी अफवाहों के बारे में ध्यान नहीं देता है, जिसका कठिन प्रयास, जिसका परिश्रम ही उसकी सफलता का कारण है, उसकी सफलता की कुंजी है। वह न कभी खुशामद करने वालों से, चाटुकारिता करने वालों की बातों से, उनकी प्रशंसाओं से प्रसन्न होता है और न ही कभी अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के कार्यों से दुखी होता है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से परे है वही व्यक्ति वास्तव में सुखी व्यक्ति है। यह सर हेनरी वोटन पोएट का कहना है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise nor who never understood, how deepest wants are given with praise, nor rules of a state but rules of good. Who envies none whom chance doth raise? The poet wants to describe that a happy person is also a person who does not
हु डज नॉट जेलस ऑफ अ पर्सन हु गॉट द सक्सेस ड्यू टू हिज एविल एक्ट्स. ही नेवर थिंक अ हैप्पी पर्सन इज दैट हु नेवर जेलस ऑफ द पर्सन हु हैज गॉट द सक्सेस ड्यू टू हिज एविल एक्ट्स नॉर ही जेलस ऑफ हिम हु गिव हिम द वाउंस ऑफ रॉन्ग प्रेजेस. ही नेवर वांट्स टू लिव अंडर द अदर ओपिनियंस. ही इज अ पर्सन, ही इज अ हैप्पी पर्सन हु एक्ट्स ड्यू टू हिज थॉट्स. कभी कहना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वही है जो किसी दुष्टतापूर्ण कार्यों के द्वारा जिस व्यक्ति ने सफलता अर्जित कर की हो ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता. मीन्स वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वही व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति हो सकता है. क्योंकि वह जानता है कि अगर वह किसी के द्वारा उसकी ऐसी गलत प्रशंसा की जाए, अगर कोई व्यक्ति उसकी गलत प्रशंसा करता है तो वह कहता है कि उस गलत प्रशंसा के जो जख्म है वह कभी भरते नहीं है. मीन्स जब गलत प्रशंसा हो जाए तो व्यक्ति को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए. ऐसा व्यक्ति जो अहंकारों से मुक्त है वही व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति है. हाउ डीपेस्ट वाउंस आर गिवन विद प्रेज नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. वह व्यक्ति ही प्रसन्न है. कभी कहता है कि वही व्यक्ति प्रसन्न है जो किसी राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन न करता हो बल्कि उन आचरण का पालन करता हो जो आचरण वास्तव में अच्छे हों. अच्छे आचरणों का पालन करता हो वही व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति है. जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होकर के कार्य करता है वह व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति नहीं है. कहने का मतलब दूसरों के अधीन मीन्स दूसरों के गलत विचारों के अधीन होकर के काम करने वाला व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है. हु गॉड डथ लेड एन अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड. Poet says that a person who does not pray to God to get the wealth, he only pray to God to get the pleasure, to get the bless, who entertains the harmless day with well-chosen book or friend. And the person who entertains his old day with the wealth, behaviored person and reading the good books, the holy books, he is the person who feels happy. कभी कहता है कि व्यक्ति वही प्रसन्न हो सकता है जो ईश्वर की दिन रात प्रार्थना केवल धन या संपत्ति पाने की लालसा में न करता हो बल्कि उसकी कृपा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करता है. व्यक्ति वही प्रसन्न है. जो व्यक्ति हमेशा किसी लालच में आकर के ईश्वर की प्रशंसा करता है वह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है. कभी कहता है कि और वह व्यक्ति भी प्रसन्न है जो अपने दिन को अच्छी किताबों को पढ़ने में और अच्छे व्यक्तियों का साथ करने में व्यतीत करता है. क्योंकि अगर वह व्यक्ति किन्हीं चापलूसों की संगत में आ जाता है तो उन चापलूसों की प्रशंसा के घाव उसे जीवन भर कुरेदते रहते हैं और वह प्रसन्न नहीं हो सकता है. इसलिए वह व्यक्ति प्रसन्न है जो अच्छे व्यक्तियों की संगत में रह करके अच्छे कार्य करता है. This man is free from servile bands of hope to rise to or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. And in the last stanza of the poem, the poet wants to describe that the qualities that were described in the poem, the person who gains these qualities are free from the every type of evils. He had everything, though he had nothing. ऐसा व्यक्ति, कभी कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो
इन बताए गए गुणों को अपने अंदर रखता है वह व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ है। मीन्स अगर इस तरह के गुण हैं और भौतिक संसाधनों की उस व्यक्ति के पास कमी है, मीन्स उसके पास भौतिक संसाधनों में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इन गुणों को जो कि इस कविता में बताए गए हैं उस व्यक्ति के पास मौजूद है। कहने का अर्थ है कि वह ईमानदार है, अपने विचारों से प्रेरित होकर के कार्य करता है, दूसरों की गलत प्रशंसाओं को नहीं सुनता है, र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देता है। तो वही व्यक्ति उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट विद द नेक्स्ट पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक।